ड्रामा सीरियल मेरा दिल मेरा दुश्मन के आने वाले नेक्स्ट एपिसोड में आप देखने जा रहे हैं कि शामीर और आयशा के दरमियान तो कुछ झगड़े बढ़ते ही जा रहे हैं। आयशा जिसे बस सारी सच्चाई पता लग चुकी है कि शामीर मायरा से मोहब्बत करता था, वो इसी सिलसिले में मायरा से मिलती है और उसे कहती है कि तुम्हें शामीर इतना ही पसंद था तो तुमने उससे शादी क्यों नहीं कर ली, जिस पर मायरा उसे जवाब देती है पसंद था लेकिन अब बिल्कुल भी नहीं, अब मैं तुम्हारे बाबा की बीवी बन चुकी हूँ और अब मेरे दिल में शामीर के लिए कोई जगह नहीं है। और दूसरी जानिब शामीर जो कि घर के झगड़ों से तंग आकर काफ़ी परेशान है, इसी सिलसिले में मायरा शामीर के कमरे में जाती है और उसे कहती है खुदा के लिए तुम दोनों आपस में गलत फहमियों को दूर कर दो और जो सच्चाई है उसे दबे रहने दो, ज़फ़र को ना पता चल जाए, ज़फ़र को पता लग गया तो बहुत बड़ी क़यामत आ जाएगी, जिस पर शामीर उसके चेहरे की तरफ देखता परेशान हो जाता है और मायरा उसके सामने हाथ जोड़ने लग जाती है। और मज़ीद आप देखेंगे कि शामीर जो कि आयशा को इसी सिलसिले में थप्पड़ भी मार देता है क्योंकि शामीर और मायरा को इल्ज़ाम दे रही थी, और जब वो थप्पड़ मारता है तो बाद में काफ़ी परेशान हो जाती है, जिस पर ज़फ़र भी उसे देख लेता है कि काफ़ी परेशान है उसकी बेटी। और उसकी माँ जो कि शामीर को कहती है कि तुम्हारा और मायरा का चक्कर था, ज़रूर आगे बात बड़ी होगी, जिस पर वो कहता है कि ऐसी कोई बात नहीं है। और ज़फ़र भी मायरा से सच्चाई पता लगाने की कोशिश करता है और बाद में वो शामीर को कहता है कि आखिर इतनी बड़ी सच्चाई है तभी तो इतनी नौबत आ चुकी है, मुझे सच्चाई बताओ, जिस पर वो उसे कुछ भी नहीं बताता। ये होने जा रहा है नेक्स्ट एपिसोड में।